तो आज की क्लास में बेसिक कंपोजिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इमेजेस इंपोर्ट करें, कुछ फुटेजेस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रीड नोड, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि रीड नोड के थ्रू आप इसमें किसी भी पिक्चर्स को या अपने स्टिल्स वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे डक, और एक जैसे लाइक डायनासोर हमारे पास पीएनजी है। यहाँ पे ना इसको सिंपल सबने ओपन प्रेस किया है यहाँ पे, तो दोनों पिक्चर डिफरेंट डिफरेंट रीड नोड से इंपोर्ट हो जाएंगी यहाँ पे। अब इसका एक हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं, जिसपे हमें जैसे इसको कंपोज करना है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो ये रोड जो आपको जैसे लाइक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, या बेसिक कंपोजिंग समझाने के लिए हम इसमें जस्ट एक ये इमेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिसको सेलेक्ट किया ना, इसको हम लोग पिन क्लिक कर लिया, ये आपके पास बेसिक पिक्चर्स आ गए। तो 3 पिक्चर्स हैं, जस्ट हमने इसको यहाँ पे कंपोज करना है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो हमेशा स्टार्टिंग्स में 1 ही रखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग्स में। तो आपको एक नोड की पैरामीटर्स ही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मुझे इसमें क्या करना है कि ये जो इमेज आपको दिखाई पड़ रही है, जिसका रेजोल्यूशन या जिसका इन्फॉर्मेशन 900x600 है, इसके ऊपर इस डक को मर्ज करना, इस डक को कंपोज करना, प्लस इस डायनासोर को कंपोज करना है, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं अगर 1 प्रेस करूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो न्यूक में किसी भी नोड को या किसी भी कंपोस्टिंग को करने के लिए हमें यहाँ पे मर्ज नोड की जरूरत पड़ती है। मर्ज नोड बेसिकली क्या करता है कि दो जो आपके पास इमेजेस है उनको मर्ज करने के लिए यूज होता है यहाँ पे, या कंपोज करने के लिए यूज होता है यहाँ पे। अब हमें मर्ज नोड चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग नोड यहाँ पे जो नोड पे टूल बार्स हैं उसमें आपके पास जो यहाँ पे मर्ज कैटेगरी है, इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मर्ज नोड मिलेगा यहाँ पे। अब न्यूक में अगर आपको कोई भी नोड चाहिए यहाँ पे, तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस से कोई भी अपना नोड जो आप यूज करेंगे आप कंपोस्टिंग के लिए, उसको आप ला सकते हैं। जैसा पहला आपको बताया कि अगर आपको रीड नोड चाहिए तो आप यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में गए, रीड पे क्लिक कर देंगे तो रीड नोड आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड, अगर आपको मर्ज चाहिए तो आप मर्ज कैटेगरी में यहाँ पे गए टूल बार में, और मर्ज नोड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मर्ज नोड आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको कोई नोड चाहिए यहाँ पे, तो सिंपल अपने नोड ग्राफ में अगर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जो टूल बार्स में जो कैटेगरी है वो सारी की सारी कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगी यहाँ पे। तो मर्ज कैटेगरी में जाके आप जस्ट लाइक यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट लाइक ये मर्ज नोड मिल जाएगा। जो सिंपल इजी तरीका है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे कंपोस्टिंग में, वो अगर आप अपना पॉइंटर नोड ग्राफ में रखेंगे और टैप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो इसमें फाइंडर आ जाता है, जो आपके पास क्या करता है, सर्च नोड कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो किसी भी नोड को आपको सर्च करके यहाँ पे देगा। जैसे मुझे अगर मर्ज चाहिए तो मैं टाइप करूँ MERG, तो आप देख रहे होंगे टॉप पे वो नोड आ रहा है। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपको वो नोड मिल जाएगा, जो नोड आप चाह रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे रीड नोड चाहिए, तो मैंने टैप प्रेस किया और रीड READ रीड नोड, तो मैं क्लिक कर देंगे, या आप एरो से डाउन आ सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो वो नोड आपको जस्ट लाइक यहाँ पे मिल जाएगा ना। जो भी एक्स्ट्रा नोड्स है, सिंपली अगर किसी नोड को आपको डिलीट करना है तो जस्ट सिंपल सेलेक्ट, और मल्टीपल सेलेक्ट करके जस्ट सिंपली प्रेस डिलीट बटन, तो आपको उसको इजी वे में डिलीट कर सकते हैं, जैसे जनरली अदर सॉफ्टवेयर में आप डिलीट करते हैं किसी भी लेयर्स को या इफेक्ट्स को। तो अब तो बेसिक कंपोस्टिंग के लिए हमें मेन चाहिए मर्जर नोट्स यहाँ पे, तो हम मर्जर नोट यहाँ पे इसके इसमें शॉर्टकट्स भी हैं यहाँ पे, जैसा कि अगर मर्ज कैटेगरी में जाके अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो मर्ज पे शॉर्टकट M है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे M प्रेस कर दूंगा तो मर्ज नोट ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो जो भी आपको ईजी लगे, जो भी मेथड समझ में आ रहा है, वो आप यूज करेंगे यहाँ पे, जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप शॉर्टकट यूज करें। तो हम टैप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आप टैप प्रेस करने से पहले अगर आपका पॉइंटर्स नोड ग्राफ में, तभी टैप वर्क करते हैं। अगर आपका कहीं पॉइंटर्स व्यूअर में हुआ तो यहाँ पर टैप जस्ट लाइक एक अलग नोड होता है, जो 2D 3D
जिस तरह के इंटरप्रेट को स्विच करता है। तो अगेन आप ध्यान रखिएगा टैप यहाँ पे, वापस टैप प्रेस कर देंगे तो 2D में आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप कभी भी अगर आप कोई भी नोट चाहिए होगा तो हमेशा नोट ग्राफ में क्लिक करेंगे और टैप प्रेस करेंगे तो आपको इजी तरीके से फाइंडर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मर्ज नोट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपली जस्ट लाइक ये मर्ज नोट आ गया। मर्ज नोट बहुत सिंपल न्यूक में होता है, तो जस्ट लाइक जैसे बेटा हम इसको जूम कर रहे हैं, इसको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ए फॉर सबसे पहले तो मर्ज नोट इसमें बहुत सिंपल होता है यहाँ पे। बी फॉर बैकग्राउंड, जो भी चीज़ आप बैकग्राउंड्स बनाना चाह रहे हैं या जिसको नीचे रखना चाह रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर से यहाँ पे, तो उसको हम लोग बी से कनेक्ट करते हैं, बी फॉर बैकग्राउंड से यहाँ पे। तो जस्ट हमें इसको कनेक्ट करना क्योंकि ये आपके पास मतलब नीचे रहेगी और ये उसके ऊपर आएगी यहाँ पे, तो जस्ट कनेक्ट विद बी। नाउ ए मीन्स फॉरग्राउंड, जो भी एलिमेंट्स आप टॉप पे या ऊपर रखना चाह रहे हैं फॉरग्राउंड एलिमेंट्स है वो ए से कनेक्टेड होगा। नाउ आपने ए से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे कनेक्ट तो कर दिया लेकिन मुझे कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसमें कोई भी चीज़ अपने आप डिस्प्ले नहीं होती है यहाँ पे, चाहे वो कंपोस्टिंग हो, चाहे वो सिंगल नोट हो या इमेज जो कुछ भी हो यहाँ पे, हमेशा आपको व्यूअर से कनेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो आप व्यूअर को जैसे ही मर्जर से कनेक्ट करेंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे कंपोस्टिंग दिखाई पड़ेगी बेसिकली यहाँ पे। तो बी बैकग्राउंड ओवर बाय डिफॉल्ट, इसमें जो यहाँ पे ऑपरेशंस लगा होता है ओवर होता है, इसलिए बैकग्राउंड ओवर फॉरग्राउंड यहाँ पे। तो जो भी चीज़ है वो आप सिंपल सा कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने सपोज इसको डिसकनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बेसिकली यहाँ पे कि पहले आप बी ही कनेक्ट करें, आप पहले ए कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आपके पास ए जो फॉरवर्ड बना उसी को ए से कनेक्ट करेंगे। तो ए कनेक्ट हो गया, नौ बी कनेक्ट कर दिया तो आपका बी कनेक्ट, तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जनरली हमेशा हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड कनेक्ट करते हैं, फिर जो भी फॉरग्राउंड एलिमेंट्स हैं उनको एड ऑन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए। तो नाउ बी और ए एग्जैक्ट है आपका रिजल्ट ऑलरेडी क्योंकि मर्जर में कनेक्टेड है। तो ये आपकी यहाँ पे सिंपल सा आप देख रहे हो, आप एफ प्रेस कर देते हो फिट, ये आपकी पहली कंपोस्टिंग यहाँ पे जो न्यूक में देख रहे होंगे, फर्स्ट आपने इमेज को यहाँ पे मर्ज कर दिया एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ सिंपल, अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो आपके पास फॉरग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को रीपोजिशन करना है या उसकी पोजीशन को चेंज करना है, बेसिकली मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत स्मॉल है तो उसका साइज बड़ा करना है या मुझे इसको सेंटर पर मूव करना है, समथिंग लाइक दैट यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि आपको पहले बताया कि न्यूक एक नोड ग्राफ कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी वर्क करने के लिए आपको हमेशा एक नोड की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप अपनी पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, मूव रोटेट रिसाइज एनीथिंग यहाँ पे, तो इसमें नोड होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नोड आपको ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में मिलेगा। तो बेटर है कि मैं टैप प्रेस करूँ, टाइप करूँगा ट्रांसफॉर्म, जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्म, आप देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्म नोड ट्रांसफॉर्म कैटेगरी, ये बेसिकली नोड का नाम होता है और ये उसकी कैटेगरी होती है कि वो किस कैटेगरी में आपको मिलेगा बेसिकली यहाँ पे। तो जस्ट मैं क्लिक कर दिया ट्रांसफॉर्म पे, तो जस्ट तो आप देखेंगे जस्ट लाइक वो ट्रांसफॉर्म नोड आ गया एग्जैक्ट यहाँ पे। तो अब सिंपल साइज में बेसिकली क्या करता है कि किस जिस तरह के आप नोड को या इमेज को या ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए नोड उसी के बीच में लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि डक को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो जस्ट क्रिएट सम स्पेस, नाउ ट्रांसफॉर्म नोड को जैसे ही आप वहाँ पे लेके आएंगे तो आप देख रहे हो वो जस्ट एक वाइट ब्लिंक कर रहा है। नाउ माउस को रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नोड बीच में इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब डबल क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे तो आप देख रहे हो राइट साइड में उसके आपको पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ना अगर आप स्केल करना चाहें यहाँ पे तो ये किसी भी नोड के पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो ट्रांसफॉर्म नोड है उसकी ऑनस्टेंस कंट्रोल यहाँ पे देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो लेट टेलीमेट उसको रिसाइज करें, उसको जिस लाइक मोबाइज करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑनस्टेंस कंट्रोल से वो आपको इस जगह पे जिस लाइक एक गिजमो टाइप का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो आप इसको सेलेक्ट करके जिस लाइक यहाँ पे लेफ्ट माउस से मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी। अब डक इसमें क्यों कंपोज हो गई बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि अपने पास जो ये डक वाली इमेज थी यहाँ पे ये एक 4-channel इमेजेस थी यहाँ पे, RGB प्लस अल्फा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे RGB प्लस अल्फा, या ये टिफ इमेज है मतलब ये ट्रांसपेरेंट इमेज थी यहाँ पे, इसमें ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए डायरेक्ट ये कंपोज हो गए यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे
अगर ये फोर चैनल इमेज नहीं होगी तो उसके साथ जो भी बैकग्राउंड होगा वो उसके साथ में आएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रांसफॉर्म को जस्ट लाइक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसको आप मूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे और उसका जो यहाँ पे ऑन स्क्रीन कंट्रोल से वो लिटिल बिट आपको स्क्रीन से बाहर दिखाई पड़ रहा, तो ये बेसिकली एक एंकर पॉइंट्स होता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म नोड का एंकर पॉइंट्स यहाँ पे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी एंकर पॉइंट्स है वो जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए या ऑब्जेक्ट के पास में आ जाए यहाँ पे, तो आप कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और जस्ट अपने पॉइंटर्स को मूव कर सकते हैं जैसे आप एंकर पॉइंट। नाउ कंट्रोल माउस को रिलीज करेंगे, अब अगर आप मूव करेंगे ट्रांसफॉर्म को तो इजीली आप उसको रिपोजिशनिंग कर सकते हैं जहाँ पे करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर छोटा बड़ा करना है तो आप रिसाइज कर लेंगे, जस्ट उसको सिंपल सा यहाँ पे प्लेस कर लेंगे जहाँ पे आपको प्लेस करना है। राइट साइड में अगर आप पैरामीटर यूज करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर सिंपल सा, जस्ट लाइक वही सेम नॉर्मल पैरामीटर्स हैं। स्केल अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो स्केल यूज कर सकते हैं, रोटेट करना चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो पैरामीटर्स यहाँ पे है सिंपल सा, तो जस्ट हम इसको यहाँ पर रिसेट कर देते हैं जस्ट लाइक वैल्यू जीरो रोटेशन। तो सिंपल सा जस्ट लाइक ये बेसिक कंपोस्टिंग से। अब हमारे पास एक और इमेजेज है यहाँ पे जो आपके पास ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मुझे इसको भी जस्ट लाइक यहाँ पे कंपोज करना है, इसमें कंपोस्टिंग करनी है, तो मैं इसमें वन प्रेस कर देता हूँ तो इमेज आपको दिखाई पड़ेगी। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस इमेज को भी आप देख रहे होंगे, ये भी फोर चैनल इमेजेज है यहाँ पे, जो फोर चैनल इसमें वही फोर चैनल इमेज इसमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। फोर चैनल का मतलब होता है जैसे कि आर जी बी प्लस ए अल्फा चैनल साथ में यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन अभी अगर मैं इसको अगर मैं कंपोज कर दूं यहाँ पे तो जस्ट लाइक एम मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मर्ज नोड, या जस्ट लाइक आप टैप प्रेस करेंगे मर्ज नोड को यूज कर लेंगे यहाँ पे, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आपके पास अभी आया हुआ है ये चीज़ें, तो उसी में आप इस चैनासुर को भी मर्ज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं दूसरा मर्जर लूंगा यहाँ पे और जो रिजल्ट आपके पास जनरेट हुआ है वो एज ए बैकग्राउंड बन जाएगा, और जो जस्ट लाइक सेकेंड ऑब्जेक्ट अगर मर्ज करना चाह रहे हैं उसको हम लोग फॉरग्राउंड बना लेते हैं यहाँ पे। नाउ रिजल्ट वन प्रेस कर देते हैं तो आपके पास ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। इसको रिसाइज करने के लिए, साइज छोटा करने के लिए ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, तो इस बार क्या है कि अगर आप अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को या नोड को अगर सेलेक्ट करेंगे और टैप प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टाइप करेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी सेलेक्टेड नोड होगा उसमें वो नोड ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर कोई नोड सेलेक्टेड है और आप दूसरा नोड यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ना हमने इसको रिसाइज किया बेसिकली यहाँ पर, जस्ट है कि इसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी फोर चैनल इमेज थी, ये भी फोर चैनल इमेज है, ये ट्रांसपेरेंट है मतलब इसमें केवल ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्यों बैकग्राउंड आ रहा है बेसिकली यहाँ पे। अगर आप इसको अदर्स सॉफ्टवेयर में कंपोज करके देखेंगे तो इसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा बेसिकली यहाँ पे, डायरेक्ट कंपोज हो जाएगी क्योंकि दोनों ही इमेज में ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन है। बट डिफरेंसेस क्या है कि ये टिफ फॉर्मेट में और ये आपके पास पीएनजी फॉर्मेट्स में है यहाँ पे। तो जनरली हमारा समझाने का कहने का मतलब ये चाहिए कि जो न्यूक है इसमें जो पीएनजी फॉर्मेट्स होता है उसको हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे कि जो आपके पास अल्फा चैनल है वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। चलते इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या कहने का मतलब हमारा और फोर चैनल इमेज का मतलब क्या है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो हम फिलहाल में एग्जैक्ट यहाँ पे जस्ट अगर मैं पहले इस इमेज को समझाऊँ, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इससे और अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ चैनल्स, तो चैनल्स जनरली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तो रेड ग्रीन ब्लू चैनल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो शॉर्टकट्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो आर फॉर रेड चैनल, जी ग्रीन चैनल, बी ब्लू चैनल, ए फॉर अल्फा चैनल्स यहाँ पे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा चैनल नहीं है क्योंकि ये थ्री चैनल इमेजेज है यहाँ पे, जो बेसिकली यहाँ पे कोई भी इमेज है वो थ्री चैनल से मिलके बनी होती है, आर जी बी यहाँ पे है, जो भी अल्फा जस्ट लाइक उसमें ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंपोस्टिंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे। वापस हम उसी शॉर्टकट को प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल वो कलर मोड में आ जाती है यहाँ पे, आरजीबी मोड में आ जाती है रादर देन इंडिविजुअल्स चैनल्स में यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर मैं इसमें कनेक्ट करके आपको दिखाऊं यहाँ पे डक वाले में यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ प्रेस करूँ आर जी बी और ए, अल्फा चैनल प्रेजेंट है यहाँ पे,
इसीलिए जैसे आपने देखा अल्फा चैनल, जब आप अल्फा चैनल चेक करते हैं तो अल्फा चैनल जो है जस्ट लाइक वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ब्लैक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट यहाँ पे, और जो वाइट का मतलब होता है वो ओपेक, 100% ओपेक, मतलब कि जो वाइट एरिया होगा वो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उतना एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसीलिए जैसे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कंपोज कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुरंत आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि कंपोस्टिंग, मैं वन प्रेस करता हूँ मर्जर नोड सेलेक्ट करके, और वापस ए प्रेस कर दो, इससे आप कलर मोड में आ जाए यहाँ पे। तो ये आप कलर मोड में आ गए, तो आप देख पा रहे होंगे ये मर्ज हो गए यहाँ पे। नाउ प्रॉब्लम बेसिकली अब इस इमेज में बेसिकली क्या है, मतलब कि आखिर में जब आप इसमें वन प्रेस कर रहे हैं तो इसमें बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं बेसिकली यहाँ पे कि इस इमेज में क्या चीज़ है। तो ये इमेज में व्यू कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ चैनल आर जी बी, नाउ अल्फा चैनल चेक करता हूँ। नाउ इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें भी अल्फा चैनल प्रेजेंट है, लेकिन जब आप इसको कंपोस्टिंग में देख रहे हैं या जब आप इसको कंपोस्टिंग में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं वापस ए प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो वो पिक्चर्स बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है कि इसमें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। तो होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे न्यूक में अगर आपके पास कोई भी इमेजेस आप टिफ फॉर्मेट में या आप इमेजेस लेके आए हैं, आप उसमें अल्फा चैनल प्रेजेंट है लेकिन उसमें बैकग्राउंड्स आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो उसमें अल्फा चैनल है उसको अगर उसी इमेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे कि आपके पास जो अल्फा चैनल जितना ऑब्जेक्ट था वो आपके पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसके लिए ऑप्शंस कहाँ पे होता है, तो चलते तो ये ऑप्शंस आपको रीड नोड में ही मिल जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शंस। तो अगर आप अपने नोड पर डबल क्लिक करेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे रीड नोड टू यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे एक होता है प्री मल्टीप्लाइड यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये फोर चैनल इमेजेज है, तो इसमें जो अल्फा चैनल्स है उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक केवल ये इमेज आपको कट करके दे देगी जितने में अल्फा चैनल प्रेजेंट है। तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन प्री मल्टीप्लाइड यहाँ पे, तो जैसे आप प्री मल्टीप्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ जो पिक्चर्स में जितना अल्फा चैनल्स है उतना पोर्शन ही आपको केवल यहाँ पे मिल जाएगा, बाद बाकी जो वाइट था वो हट जाएगा बेसिकली यहाँ पे। तो जैसा कि आप प्रीव्यू में भी देख पा रहे होंगे, थंबनेल्स में देख पा रहे होंगे कि आपको अब यहाँ भी यहाँ पे दोनों इमेजेस सेम लगने लगी होंगी जैसा कि थंबनेल्स में। तो सिंपल से कंपोस्टिंग थी यहाँ पे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अल्फा चैनल को जो भी फोर चैनल इमेज आ रहे हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई होके आइए तो वो डायरेक्ट कंपोज हो जाएगी, और अगर उसमें अल्फा चैनल मल्टीप्लाई होके नहीं आया है तो आप बाद में उसमें क्या कर सकते हैं, रीनोड में जाके प्री मल्टीप्लाइड ऑप्शन को यूज करके उसके अल्फा चैनल्स को मल्टीप्लाई करके आप अपने ऑब्जेक्ट को स्टैक करके मर्ज कर सकते हैं। तो सिंपल बेसिक आप ये कंपोस्टिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो इस सिंपल से आप अगर डायनासोर को जिस लिटिल बिट में पूरी पोजिशनिंग करना जो ट्रांसफॉर्म डबल क्लिक साइज चेंज कर दिया जिस तरीके से इनके यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट, अगर आप फ्लिप करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं, वैसे फ्लिप करने के लिए नोड होता है लेकिन फिलहाल में जो स्केल वैल्यू है यहाँ पे तो हम इसको जस्ट ऐसे क्लिक कर देंगे एग्जैक्ट यहाँ, तो जस्ट लाइक एग्जैक्ट इसको रिवर्स कर दिया यहाँ पे, हमने माइनस कर दिया है वैल्यू यहाँ पे, तो जस्ट सिंपल क्लिक करके जस्ट एग्जैक्ट इसको क्लिक कर दिया। तो बेसिक कंपोस्टिंग, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टी दो इमेजेस को मर्ज करते हैं वो आपने देखा है यहाँ पे।